जिस तरह से सीजन और मौसम है ना, जो आते हैं जाते हैं और बदलते रहते हैं, उसी तरीके से ट्रेंड भी होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो आते हैं जाते हैं बदलने लग जाते हैं। अब देखो, हर साल मैं एक वीडियो आपको डिलीवर करता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कौन से ट्रेंडी हैं, कौन से क्रेजी हैं, कौन से आपको ट्राई करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हेयर स्टाइलिंग टूल्स, जो रूट्स होते हैं स्टाइलिंग के, जिसको हम कभी भी इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हमारे वही आते हैं। तो बहुत क्रेजी आइटम्स आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो एंड तक अच्छे से देखना। हेलो गाइस, girls, I am Apar Sharma and I am back with my new video, and this time on very crazy hairstyling tools 2022. नंबर वन पे बात करते हैं एक खास ब्रश के बारे में। अब देखो, पैडल ब्रश, रोलर ब्रश, ये बहुत टाइम से ट्रेंडिंग थे और अब तो हमारे खास बन ही चुके हैं, लेकिन अब नया क्या आ रहा है मार्केट में? अब आ रहे हैं स्ट्रेटनिंग ब्रश, यानी कि आयरन ब्रश। अब उससे क्या होता है, उससे आप अपनी बियर्ड और अपने बालों को कोम करना आपको नॉर्मली, लेकिन टेम्परेचर सेट करने के बाद आपके बाल साथ ही साथ स्ट्रेट भी होते रहेंगे, वो मैनेजेबल होते रहेंगे और वो स्टाइल भी होते रहेंगे। अब टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको ब्रांड यहाँ पे रिकमेंड नहीं करने वाला। जो भी आपका बजट है और आपको लगता है कि हाँ, इस पर वारंटी भी मिल रही है, अब आपको कौन सा वेरियंट खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉर्डलेस भी आता है, विद कॉर्ड वाला भी आता है, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ब्रांड ले सकते हो। वारंटी ऑलमोस्ट सब पे मिलते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि हाँ, वो आपके बजट के अंदर आ रहा है। आपको सिंपली इसको बालों पे रन करना है और आपके बाल स्टाइल होते चले जाएंगे। नंबर टू पे बात करते हैं बियर्ड शेपर के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हेयर स्टाइलिंग टूल का बियर्ड शेपर से क्या लेना देना, तो बहुत ज़रूरी है। जो हमारे साइड बर्न्स होते हैं, जिसको हम कलमे बोलते हैं, इसका भी शेप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी नेचुरल सी बात है, हम अपनी बियर्ड सेट करवाते हैं बाहर जाके, तो वो अपने जो कलमे होते हैं उनको भी सेट करते हैं, और जो उस्तरा या रेजर कह लो, उससे उसको शेप में लाते हैं। अब आपको अगर बाहर जाना सैलून रेगुलरली पसंद नहीं है, ज़रूरी नहीं लगता, तो बढ़िया सा बियर्ड शेपर अपने लिए खरीद लो, 200-250 रुपए में आ जाता है मैक्सिमम। उससे अब अपनी जो साइड बर्न्स होते हैं, जो हमारी कलमे होती हैं, उसको आप रेगुलरली शेप कर सकते हो, जिससे आपका जो हेयर स्टाइल है वो मेंटेन रहे और आपकी पूरी शक्ल ग्रूम्ड अप लगे। अब आपको अगर लगता है कि आपके कलमे तो बहुत बढ़िया प्रॉपरली शेप्ड हो चुकी है, लेकिन हेयर स्टाइलिंग बनाने में आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो टूल्स के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही इनोवेटिव मैं हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, विच इज़ अ हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स फ्रॉम अर्बन गबरू। अब इसका ट्यूटोरियल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। आपको बस बालों में इस पाउडर को पोर करना है, उसके बाद अपने फिंगर्स को, अपने हैंड को रन करना है, और अपने बालों को जिस भी डायरेक्शन में आप शेप करना चाहते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं, उसको आप इजीली कर पाओगे, और आप देखोगे आपके बाल पहले कैसे थे और इसको लगाने के बाद कितने ज़्यादा वॉल्यूमाइज्ड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर ट्राई करें। टूल नंबर थ्री, अगेन एक बहुत ही इनोवेटिव टूल है, और आई डोंट थिंक आप लोगों ने वो आम घरों में देखा होगा। सैलॉन्स पे चीज़ इजीली मिल जाती है, लेकिन अब प्रोडक्ट्स ऐसे भी बना रही है कंपनीज जो आप घर पे भी अवेल कर सकते हो। हम इसको बोलते हैं हेयर थिनिंग कोम। अब इसमें काम क्या करती है ये कोम, बेसिकली सिंपल कोम भी होती है, लेकिन आप इसको ज़रा सा भी फ्लिप करोगे तो उसके साइड में रेजर दिया होता है, एक ब्लेड दिया होता है। अब ये खासकर उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ, अभी हेयर कट का टाइम नहीं आया, लेकिन थोड़े से बालों को मैनेजेबल बनाना है, थोड़ा सा इनको ट्रिम करने की हमको ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली ट्रिमर आप सीधा लेके अपनी खेती तो नहीं उड़ा सकते हो। तो इस कोम से होगा क्या, जो भी आपके स्प्लिट एंड्स हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आपके बालों की थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत फैले फैले लग रहे हैं वो आपको, तो उसको थिन करने में ये आपकी हेल्प करेगी। तो ओवरऑल जैसे आप अपना हेयर स्टाइल बनाते हो, इस कोम से आपको वैसे ही हेयर स्टाइलिंग करनी है, और जो भी एक्सेसिव हेयर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे आपके बालों से, और आपका जो हेयर स्टाइल है वो फिर आपको परफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट टूल जो है वो थोड़ा सा देसी टूल है, लेकिन उसको हम अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। हम इसको बोलते हैं स्कैल्प ब्रश, या फिर इसको हम मसाजर भी बोल सकते हैं, मसाजर ब्रश बोल सकते हैं। बड़ा छोटा सा होता है, बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, किसी भी वेबसाइट पर या ऑफलाइन लेना चाहो तो भी मिल जाता है। अब वैसे तो अगर आपको ऑयल आपने लगाया तो उससे उसके बाद आप इससे मसाज कर सकते हो, या फिर अगर आपके बालों में डैंड्रफ रहता है आप वो उसको निकाल सकते हो इससे। लेकिन उसके अलावा ये क्या काम करता है, अगर तो आपका हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो आपने लगाया, सपोजिंगली वैक्स वगैरह, स्प्रे वगैरह, वाटर सॉल्यूबल है तो वो निकल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको शैम्पू करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बहुत ही बढ़िया सलाह, मान लो कि जब भी आप सर धोते हो, वाटर सॉल्यूबल भी हो भले आपका प्रोडक्ट, उसको निकालते हो, जब बाल सूख जाते हैं
तो ये जो स्कैल्प ब्रश होता है इसको अपनी स्कैल्प पे ज़रूर मारा करो, क्योंकि देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं शेलिंग प्रोडक्ट्स के, वो कितना भी जोर लगा लो हमारे रूट से हमारी स्कैल्प से नहीं निकलते हैं। तो इसके थ्रू आप उसको निकाल सकते हो और अपने बालों की हेल्थ को और अच्छे से बचा सकते हो। बट अगेन, बालों को एकदम धोने के बाद इसको मत लगाना, क्योंकि ये बहुत बुरे तरीके से बालों को खींचता है और गीले बाल ज़्यादा वीक होते हैं तो आपके बाल टूटेंगे, तो जब वो सूख जाएंगे उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हो। लास्टली, मैं आपको बहुत ही सदियों से चलते आ रहे टूल के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते, विच इज़ अ नीम कोम और अ नीम ब्रश। अब जो नीम की जो वुडन वाली कोम्स आते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत ही बड़े बड़े सैलून चेन्स पे भी आपको मिलती है, दिखती है, लेकिन हम उसकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते नहीं है। तो अब आपको करना क्या, उसको अपने लिए खरीद लेना है, और भले आप उससे रेगुलरली कोम मत करो या फिर उससे स्टाइलिंग मत करो, लेकिन दिन में एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा बहुत अपने बालों में उसको फेर लिया करो। क्यों? क्योंकि नीम हमारे बालों के लिए, हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम है। एक तो उससे डैंड्रफ वगैरह निकल जाता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, स्कैल्प क्लीन होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ती है, हेंस आपके हेयर ग्रोथ को भी वो प्रमोट करता है, और इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। तो जहाँ भी आपको अच्छे ब्रांड की नीम कोम मिल जाए उसको ज़रूर ले लेना। जो लोकल से आती है 50-100 रुपये की, वो मत लेना, क्योंकि यू कांट आइडेंटिफाई कि वो रियल नीम है या नहीं है, इसलिए किसी अच्छे ब्रांड की ही लेना। तो ये थे गब्रूस मेरे कुछ ऐसे टूल्स जो हम बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं और हमने इनको ट्राई नहीं करा, काफ़ी ट्रेंडी है, अभी इनको ट्राई कर लो क्योंकि थोड़े टाइम में कॉमन होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं जो वीडियो में बताए हैं वो भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लोगों तक पहुँचाना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।